हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा पांच ऐसे शेडर जो कि माइनक्राफ्ट 1.19 के हैं। एंड आल्सो इसमें से कुछ शेडर तुम्हारे लो एंड डिवाइस में भी वर्क करने वाले हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, अरे मिल गए, हमको पागल बना रहे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो नंबर वन पे हमारा FCPE शेडर। ओके सो इस वाले शेडर में तुम्हारे कलर्स एंड ग्राफिक्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है, एंड 1.19 के हिसाब से तो इसके ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है। एंड बाकी इस वाले शेडर में तुम्हारे स्काई को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, एंड सनसेट में तुम्हें कुछ इस टाइप से लुक देखने को मिल जाएगा, एंड बाकी रात में तुम्हें आसमान में तारे भी देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर लाइटिंग की बात करें तो इस शेडर में तुम्हें काफी अच्छी लाइटिंग देखने को मिल जाती है, एंड या कुछ इसी प्रकार से तुम अपने घर के आसपास भी लाइटें लगा दिया करो। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ओके सो नंबर टू पे हमारा डेक्सटन शेडर। एंड या पिछली वाले शेडर की तरह इस शेडर में भी तुम्हारे ग्राफिक्स और कलर्स को इम्प्रूव कर दिया गया है, एंड बाकी इस शेडर में तुम्हें ट्रांसपेरेंट वाटर भी देखने को मिल जाता है, एंड पानी के अंदर जाने पे भी तुम्हें काफी बढ़िया दिखाई देगा। साले चील की निगाह मेरी। एंड ऑल्सो क्रिटिकल हिट के पार्टिकल्स को चेंज कर दिया गया है, और अगर तुम किसी भी मॉब को मारोगे देन तुम्हें उधर एक व्हाइट क्लाउड देखने को मिल जाएगा, एंड बाकी विलेजर्स वाले हार्ट को भी चेंज कर दिया गया है, एंड तुम्हारे बेड को कुछ इस टाइप से 3D लुक दे दिया गया है। एंड बाकी इस वाले शेडर में तुम्हें बहुत ही रियलिस्टिक स्काई देखने को मिल जाता है, एंड ये रात को भी देखने में काफी ज्यादा ओपी लगता है। ओके सो नंबर थ्री पे है CSRS शेडर। अल्लाह इधर लिख लो कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। ओके सो इस वाले शेडर में ग्राफिक्स और कलर्स को इतना इम्प्रूव नहीं किया गया है, बट तुम्हें इसमें काफी अच्छा स्काई देखने को मिल जाता है, एंड बाकी इस शेडर में पानी की संग भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। बढ़िया, इस शेडर में सनसेट तो काफी ज्यादा ओपी है, एंड आल्सो तुम्हें इस शेडर में कनेक्टेड ग्लास भी देखने को मिल जाता है, तो तुम्हें इसे अलग से इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड वैसे तो ये लो एंड डिवाइस का शेडर है, पर तुम्हें इसमें डुमके लगाती हुई ग्रास देखने को मिल जाएगी। ओके सो नंबर फोर पे है रेड हैट शेडर। एंड इस वाले शेडर में तुम्हारी UI को चेंज करके कुछ इस टाइप से कर दिया गया है, एंड माइनक्राफ्ट की जगह रेड हैट लिख दिया गया है। साले मजाक बना के रखते हो भाड़ो। एंड बाकी तुम्हें इस वाले शेडर में बड़े ही नॉर्मल टाइप के ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, बट ग्राफिक्स से क्या फर्क पड़ता है, इसमें तुम्हें वेविंग ग्रास देखने को मिल जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? एंड बाकी तुम्हें इस वाले शेडर में ट्रांसपेरेंट वाटर के साथ वाटर पे डिफरेंट टाइप की एनिमेशन देखने को मिल जाएगी, एंड और शेडर्स के कंपैरिजन में इस वाले शेडर में पानी के अंदर विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड बाकी इस वाले शेडर में तुम्हें काफी ज्यादा रियलिस्टिक मून देखने को मिल जाता है, वैसे इतना रियलिस्टिक मून तो मैंने कभी रियल लाइफ में भी नहीं देखा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओके सो नंबर फाइव पे हमारा एडिंग शेडर। एंड ये वाला शेडर तुम्हारे लो एंड डिवाइस में भी वर्क करने वाला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एंड इस शेडर में तुम्हारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फॉग भर दिया गया है, तो यहाँ अगर तुम्हें माइनक्राफ्ट में फॉग देखना पसंद है देन तुम इस शेडर को लगा सकते हो, एंड बाकी इस शेडर में तुम्हें पानी में भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, एंड इस शेडर की लाइटनिंग और शेडर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। खत्म। ओके सो गाइस सारे शेडर मैंने तुम्हें बता दिए, एंड तुम्हें इसमें से कौन सा शेडर अच्छा लगा कमेंट में बताओ, एंड बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।